साले गंध बेचता है, गंध बेचता है, गंध बेचता है तू। मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आप जो कहे करूंगा, मैं आपके काम आऊंगा। मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। इंस्पेक्टर सोनम, कमिश्नर ऑफ पुलिस दुर्जन सिंह पुलिस की ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, आप तो जानती होंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई अंडरस्टैंड, जब पुलिस कमिश्नर ही अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करे और अपने घर में गैर कानूनी सामान रखे तो एक ऑफिसर को तो यह बात बकवास ही लगती होगी। आई अंडरस्टैंड। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो अपने रिवॉल्वर की पहली गोली आप मेरे सीने में उतार दीजिएगा, लेकिन अपनी वर्दी के फर्ज को तुम्हें आज निभाना इंस्पेक्टर सोनम। ऑल द बेस्ट, बाय। हुसैन मियां, सोनम अभी तक नहीं आई। पुलिस वालों के सुबह का शाम का सरकार आती होंगी। सरकार बिटिया आ गई, सोनम बिटिया सरकार। अरे सोनम बिटिया, पूरा थाना लेकर घर पर आ गई, क्या बात है? छुट्टी यहीं पर देने का इरादा है क्या? मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है कमिश्नर साहब। यस। थैंक यू। तुम इधर जाओ, तुम ऊपर जाओ, चलो जल्दी करो। पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, ऐसी बातें न देखी गई न सुनी गई। बेटी बाप के घर की तलाशी लेगी। हुसैन मियां, इम्तिहान का सबक देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना ही मेरी जिंदगी है। इंस्पेक्टर, चौक से तलाशी लो, घर का कोना कोना तुम्हारा देखा हुआ है। सर, ये सब क्या है? ये वो सबूत हैं जो आपके घर से बरामद हुए हैं। ये किसी की साजिश लगती है। ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला करना अदालत का धर्म है और अदालत तक पहुंचाना मेरा कर्म। और वैसे भी इन सबूतों के मिल जाने के बाद सफाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और मैं सफाई देना भी नहीं चाहता। आखिर तूने अपना रंग दिखला ही दिया ना, अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन तू तो पराया खून है ना। खामोश हुसैन मियां। आज अगर खामोश नहीं कहोगे तो मैं इस तरह खामोश हो जाऊंगा कि तुम लाख जगाओगे, मैं नहीं जागूंगा। कमिश्नर साहब, मैं इस घर में नौकर बन के रहा, लेकिन इसे लाड दिया, प्यार दिया, अपनाया, इसकी हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं मांगते मांगते मेरी जबान थक गई। ला वापस ला मेरी दुआओं का कर्ज जो तेरा फर्ज बनकर मेरी मोहब्बत को लूट रहा है। मैं मजबूर हूं सेन चाचा। इंस्पेक्टर, एक बात याद रखना, इन हाथों ने हमेशा मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाई हैं। ये हाथ कट सकते हैं लेकिन मुजरिमों को पनाह कभी नहीं दे सकते। फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम हाजिर हैं, हमें गिरफ्तार कर सकती हो। हुसैन
तू तो जानता है कि मालिक बेकसूर है, अपने हबीब के सदके सच और इंसाफ की लाज रखना और मेरे मेरे मालिक को इज्जत आबरू के साथ घर वापस लाना। अल्लाह या अल्लाह। बोल, कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपया किसने रखा था? बोल। सोनम, यही वो दलील जिसने अपने आप को बेचकर कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपए छुपाए थे। अरे तब वो कैबे, तब हरामजादे, तूने हमारे ईमानदार कमिश्नर साहब को फंसा। वो शख्स जिसने जिंदगी में हराम का एक पैसा नहीं देखा, उसको सलाखों का मुंह दिखा, मैं तुझे मिस्टर गुप्ता। सोनम जी, इस आदमी ने हमारी इस पवित्र वर्दी पर कीचड़ उछाला है। इससे पूरी तहकीकात मैं करूंगा, इससे हकीकत मैं निकलवाऊंगा। चलो चल। गुप्ता, जैसे कमिश्नर साहब पर इल्जाम लगाता है कुत्ते। सोनम, ये था मेरा पहला तोहफा। संजय, मैं तेरे साथ हूं गधे, लेकिन सबके सामने तो बात नहीं करनी चाहिए ना। उल्लू का बट्टा ये ले। सुन, ये तेरे को छोड़ रहा हूं ना, उसके पेपर पे साइन कर दे, लिखना आता ना। शाबाश शाबाश, चल जा जा जा। अच्छा हुआ सब पेपर पहले रेडी रखे। हुसैन चाचा, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और बताइए, आपने मुझे पराया खून क्यों कहा? क्या मैं पराया खून हूं? बताइए हुसैन चाचा, आपको बताना पड़ेगा। आज आज हुसैन अपनी जबान पर से ताला हटाएगा, वो अपने मालिक के लिए जो इंतहाई घनौनी और नापाक साजिश का शिकार हो गए। मेरे मालिक इंसान नहीं, फरिश्ता है। अगर वो तुम्हें अपने दामन में पनाह न देते तो जमाने के थपेड़े तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देते, और आज जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो वहां वहां तुम कभी ना पहुंचती, और तुम्हारी मां के सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते, बिखर जाते। उन्नीस साल पहले उसने शीतल आंसू बहाकर मेरे प्यार को छोटा करना चाहती हूं। प्यार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है। जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं। शीतल बोलो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? इसका बाप तो बाप है, उसके पास इसकी परवरिश होगी, तो ये भी
गुनहगार बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके माँ और बाप दोनों बन जाओ। तुम यही सोच रहे हो ना, किसी और का चराग जलाकर तुम अपनी जिंदगी में और भी अंधेरा कर दोगे। किसी और का चराग जला देने से अपने चराग की रोशनी कम नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। उसे नीचे शीतल 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 तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानती हूं। क्या? यही कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मेरी रगों में आपका खून नहीं बल्कि एक मुजरिम का खून दौड़ा है, और इससे पहले कानून मुझे अपना फर्ज अदा करने से रोके, मैं अपना इस्तीफा देने आई हूं। मेरी सारी आस उम्मीदें तोड़ डालोगी? जिंदगी भर जिस फर्ज को निभाने के लिए मैंने जख्म अपने सीने पर सहे हैं, वही जख्म तो मेरी पुष्ट पर लगाना चाहती हो आज? अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस एहसास ने मेरे सारे हौसलों को चकनाचूर कर दिया कि मैं एक मुजरिम की बेटी हूं। ए, एक बार फिर सोच लो। कैसे? मुजरिम की नहीं, मेरी बेटी हो। ओ डैडी। क्यों, तुम्हारी चाल कामयाब हुई? यार वो जरा सी गलती से सब गुप्ता। मुझे बेवकूफ दोस्तों से अकलमंद दुश्मन ज्यादा पसंद है। तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर तो हवलदार बनने के काबिल नहीं। कमिश्नर की बात तो बहुत दूर की है। आज के बाद मेरे मामलों में होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही निपट लेंगे। अरे यार, जो मुंह में आया बके चले जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जो हो गया सो हो गया, तुम इस बार देखना। इस बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया गुप्ता, वरना हम तुम्हारी गर्दन। तुम जा सकते हो। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जगन्नाथ, दरअसल तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुम मुझसे मेरा हक मार लेना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो, वफादार गुप्ता के बगैर तुम्हारी हुकूमत के पहिए डगमगा जाएंगे। गुप्ता, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट? यस। ओके ओके, मुझे गेट लॉस्ट बोल रहा है, कमाल है। कमिश्नर साहब, ये वो फाइल है जिसमें जगन्नाथ की काली करतूतों का हिसाब है, और इसमें वो सबूत है जिनकी अदालत के चबूतरे पर आंखों पर काली पट्टी बांधे खड़ी इंसाफ की देवी को सख्त जरूरत है। शाबाश बेटे, मुझे यकीन था तुम्हारे हाथ एक न एक दिन उस दरिंदे के मुंह से शराफत का नकाब जरूर उतार देंगे। कांग्रेचुलेशंस। कमिश्नर साहब, अभी तक तो मैंने सिर्फ वर्दी का कर्ज उतारा है, डैडी के खून का कर्ज अदा करना तो अभी बाकी है। गाड़ी कहाँ है? हेलो, तुम? मुझे मालूम था गुप्ता तुम वहीं हो गए। सर, मैं तो ड्यूटी पर हूं सर। मुझे मालूम है तुम किस तरह की ड्यूटी पर हो। जगन्नाथ कहाँ है?
सर वो तो कमका मर चुका है सर। और तुम अभी तक जिंदा हो, ठीक है। Thank you.